First of all, Mr. Speaker, it is very unfortunate. Balance नहीं, आपने तो सारी बातें की है ना जी. You are Mr. Speaker. नहीं नहीं, वो मैंने इधर भी दिया ना, एक उमर साहब को दिया था, एक आपको दिया था, एक उनको दिया, इधर बारी बारी कर. Mr. Speaker. नूर आलम को भी दिया था. कोई बात नहीं, इतना तराजू ना करें ना. मैंने इनको कहा है, मैंने इनको बताया कि कल जो वाकया हुआ है मैंने उस पर एक्शन लेना है. मैं बहुत बहुत दुखी होकर ये एक्शन लूंगा, मगर मैं आज लूंगा ये एक्शन. ये बड़ा क्लियर है, नंबर वन. नंबर टू, मैंने इनसे कहा है कि ताली दो हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी. जी शुक्रिया गौहर साहब. थैंक यू मिस्टर स्पीकर, थैंक यू सो वेरी मच. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव टू प्रोटेस्ट टू गेट योर अटेंशन. We are here as in a position to support you. Yes, you will get the time when you get it. I have to keep a balance between the government and opposition, which I have been trying to do. Pointed out. And if you see the previous record, you got more time than the government. Mr. Speaker, जी. All we wanted to point out is just two things. जी जरूर. First of all, ये है कि हमने आपके सामने ये नोटिस लेके आया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मजबूत कर ले, ताकि ईवान आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक चले. जी कल मैंने हमने देखा. ये पॉइंट आउट करना था. टेक इट इजी. जी पहली बात तो यह है कि हम ये पॉइंट आउट कराना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद प्रोसीजर क्या होता है, एजेंडा क्या होता है. आईन का आर्टिकल 56 उसका जवाब आ गया. दिस इज बेसिकली रिपोर्टेशन. मैंने पॉइंट द लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी क्लियर दैट द रिपोर्ट द स्पीच विल बी लेड हियर. आप उस पे रूलिंग दे. जी आप देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आपका एजेंडा आता है तो सदर के एड्रेस के बाद उस पर प्रोपोजिशन नहीं शुरू करना होता है और डेट फिक्स करना होता है और हमने देना है और गवर्नमेंट ने उस पर जवाब देना है, न कि कोई और एजेंडा आ जाए. ये हमारी रिजर्वेशन डिस्पाइट द फैक्ट है कि हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं अपोजिशन कि जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. क्योंकि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है. प्लीज बात करने दें, उनको बात करने दें. ये एक मिनट बात करने दें. मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के. देखे जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आज भी है. आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट. अच्छा, इनको बात करने दीजिए. लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, इसके बावजूद हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं. आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे, हमें शुरू करने दे ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पे इब्तिदा कर ले और हम सारे फॉलो कर ले. हम इनको न मानते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें टाइम दे दे. ये कानून, ये आर्टिकल 56 और रूल 60 के मुताबिक बिल्कुल ठीक है. ये एजेंडा जनाब स्पीकर, आई टोटली एग्री विद यू. 1 अप्रैल का एजेंडा 15 तारीख को रिपीट हो गया और हमारा जुडिशरी का एजेंडा नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट की रिक्विजिशन हमने की थी. वो एजेंडा मैं जवाब दे दूं तीनों बातों के. तशरीफ रखिए. पहली बात का ये जवाब है कि जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि जब रिपोर्ट आएगी हमारे पास, तब जब वो उनकी स्पीच आएगी तब हम एजेंडा पे रख देंगे. आज स्पीच आ जाएगी, हम एजेंडा पे रख देंगे, नंबर वन. नंबर टू, आपने कहा कि जुडिशरी पे बात नहीं करने दी. देखिए दो हिस्से हैं. एक, आपने रेक्विजिशन किया. 14 दिन के अंदर हमारी जिम्मेदारी थी कि रेक्विजिशन का सेशन बुलाएं, हमने रेक्विजिशन का सेशन बुला लिया. नंबर टू, वो सब जुडिस इशू है, इसलिए सब जुडिस इशू को हम एजेंडा पे नहीं लेके आएंगे और ना हम लेके आए. नहीं, ये बहस बरदर बहस नहीं. सो दीज आर द आंसर्स टू योर शर्मिला फारूकी साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक सेकंड ठहरे, एक मिनट का. जी जी गौहर साहब, एक सेकंड शर्मिला जी. सेकंड 15 सेकंड के लिए जनाबी स्पीकर, रूल 86 बड़ा क्लियर है. जो मैटर सब्जुडिस होता है उस पर बहस नहीं होती, लेकिन उसमें प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है कि अगर बहस का एक्सटेंट वोसा हो जिससे केस अफेक्ट ना हो रहा तो बहस हो सकती है. पहले भी इस ईवान में सारी चीजों पे इन्होंने बहस कराई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवन ऑर्डर भी कर लिए थे. तो हम तो सिर्फ उस पर बहस करना चाहते हैं रूल 86 के प्रोवाइजो के मुताबिक. ठीक है, शुक्रिया जी.